बरसात शुरू हुई है और अरपा नदी में बरसात का पानी आ गया है, लेकिन इसको रोकने का अभी कोई प्रयास नहीं दिख रहा है, जिसके चलते अभी परेशानी और बढ़ने वाली है। बिलासपुर से एक्सपर्ट रिपोर्टर शैलेंद्र पाठक। पर्यावरण विभाग कितना सक्रिय है नदी और तमाम प्रदूषण को बचाने के लिए, इसका सीधा सा उदाहरण आपके सामने है। ये देखने को मिल रहा है कि नदी में जो मूर्तियां पिछले साल ठंडी की गई थी वो अभी तक के खुली नहीं है। इसके अलावा भी और जो तमाम कचरे, प्लास्टिक कचरे और दूसरे तरह के कचरे पड़े हैं, उस पे रोक लगाने का काम पर्यावरण का है, लेकिन पर्यावरण विभाग केवल विभागों, ना ही उद्योगों की तरफ ध्यान दे पा रहा है, ना ही नदियों की तरफ ध्यान दे रहा है। उसका ध्यान केवल कागजी खाना पूर्ति पर है और मंत्री अधिकारियों के सामने घूमने वाले ये अधिकारी जमीनी काम करने से परहेज करते हैं, और यही वजह है कि बिलासपुर की अरपा नदी को प्रदूषण लगातार घेरते जा रहा है। लेकिन पर्यावरण विभाग इस मामले में अपनी सुस्ती बरकरार रखे हुए है और इसका नुकसान आम आदमी के साथ प्रकृति को भी हो रहा है। निष्क्रिय पर्यावरण अधिकारियों के कारण नदी प्रदूषित हो रही है, लेकिन इस मामले में जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग दोनों सुस्त है। बिलासपुर से एक रिपोर्टर शैलेंद्र पाठक।